आज बात करेंगे बुलडोजर पर चले सुप्रीम हथौड़े की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बुलडोजर की कार्रवाई से डरे सहमे और चिंता में डूबे लोगों के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। देश भर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह रुकना चाहिए। सभी को पता है भाजपा सरकार में कार्रवाई से बुलडोजर का इस कदर महिमा मंडन हुआ कि जुलूस से लेकर नेताओं की सभाओं में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना दिए गए। इतना ही नहीं, नामांकन से लेकर दूल्हे राजा भी बुलडोजर पर सवार होकर अपना महिमा मंडन कराए बिना नहीं रहे। और तो और, बाबा की सरकार ही बुलडोजर की सरकार कही जाने लगी। अब तो बात बात में बुलडोजर की कार्रवाई का डर दिखाया जाने लगा है। बुलडोजर की कार्रवाइयां भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति से ही एक्शन लें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 2022 में नोटिस दिया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई। इस बीच अपराध भी हुए हैं। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जब 2022 में नोटिस जारी किए गए तो 2024 में जल्दबाजी क्यों? राज्य सरकार को सूचित किया जाए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे निर्देश होंगे, इन्हें गाइडलाइन कहा जा रहा है। अगली तारीख तक कोर्ट की अनुमति के बिना तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए। जस्टिस जे गवई ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया है, मगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आदेश पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। इस पर पीठ ने कहा कि अगर 2 सप्ताह तक तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। जस्टिस गवई ने कहा, अपने हाथ थाम लीजिए, 15 दिनों में क्या होगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कानून शासित देश में अधिकारियों द्वारा मकानों के तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अदालत ऐसे तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकता जो देश में अकल्पनीय है, जहां कानून सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो यह देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद इकबाल की दलीलों को सुनने के बाद किया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ ने कहा था कि आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। जस्टिस बी आर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि आरोपी ही नहीं, आपराधिक मामले में दोषी ठहराने के बाद भी बुलडोजर से मकान को नहीं गिराया जा सकता है। आपको यह भी बता दें, बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके
चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। आजमगढ़ के सुनील कुमार ने अपना घर गिराए जाने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था। सुनील का आरोप था कि उसका पक्ष जाने बिना ही उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की होने वाली अगली सुनवाई पर लगी है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।